पे जाता हूँ। ऑटो चलेगा? ऑटो क्यों नहीं चलेगा, कहाँ चल रहा है बोलिए? सिद्धार्थ नगर सेकंड स्ट्रीट 8 नंबर घर। 100 रुपए लगेगा? सरासर ना इंसाफी है, पैदल ही चली जाती, लगेज के लिए ऑटो कर रही हूँ, 30 रुपए ले लो। तो ठीक है, आप लगेज ऑटो में रख दीजिए और आप पीछे पीछे आ जाइए, मैं 30 रुपए ले लूंगा। क्यों रे, भाव मार रहा है, बात से मुंह न करना। अब स्टार्ट कर ऑटो, मैं पीछे आती हूँ, लेकिन एक शर्त है, उस एड्रेस पर अगर तू पहले पहुँच गया तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, अगर मैं पहुँच गई तो तुझे देना पड़ेगा, बोल मंजूर है? देखा? ले लीजिए शर्त के 50 रुपए। किसी और का हक का पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये लो 50 रुपए, आइंदा किसी से ऐसी बदतमीजी मत करना। हाय दादी। अंजलि, जा 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 जा। लेटर में तो तुमने लिखा था कि आओगी, लेकिन आज आओगी ये क्यों नहीं लिखा? ऐसे झटके देना ही अंजलि का स्टाइल है। इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं? एक ऑटो वाले की वजह से स्टेशन से यहाँ तक मैं दौड़ती हुई आई। तुम स्लो मोशन में चलती हो तो आइसक्रीम जैसी लगती हो, लेकिन आज तुम फास्ट मोशन में भाग कर आई हो, तो कई लड़कों ने ख्यालों में सुहाग रात मना ली होगी। पहले बैग तो पकड़ लीजिए, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। ये भी कोई वजन है क्या? ये अपन का स्टाइल है, कौन? इस शहर को संवारने की हम कसम खाते हैं, हमारी पार्टी अगर जीत गई तो इस शहर। भाई वीरू, तुम्हारे घर में जो फालतू 30 ट्यूबलाइट पड़ी थी, उसे एक ट्यूबलाइट के 10 के हिसाब से 300 रुपए में साउंड सर्विस वाले को किराए पे दिया, इसके लिए चौवनी का जना हाथ में थमा के रद्देगा करा दिए, इस तरह की जाती करने कहाँ का इंसाफ है? किससे पूछ के तूने बेचने वाला भाड़े पे दिया? किससे पूछने? क्या कहा? तुम ही से पूछ। ये हुई ना बात, अगर ट्यूबलाइट टूट गई तो पगार में से काट लूंगा। पहले तरीके से बैठ, पैंट फट जाएगी, बन मन उसकी तरफ फैला के बैठा है, उसे तक ट्यूबलाइट पे हाथ रखा है। अरे हटा हटा, चुप हो जाना, ट्यूबलाइट पे हाथ ही तो रखा है, चुरा का भाग ले रहा है। के साथ आपके अंदर एक नया उबाल आना चाहिए। अब क्या हुआ? उबाल आया? उबाल नहीं है, उल्टी आ रही है। आप देश के चिराग हैं, आप देश के गुलाब हैं, और साथ साथ हम यहाँ भाग भी सुनने आए हैं, मुशायरा नहीं। अगर हम बारूद है तो दुश्मन राख है। वीरू, रात के 2 बजे घटिया पॉलिटिक्स सुना रहा है। देखना कोई ट्यूबलेट लेके नहीं सक जाए, वो छोड़ देंगे, तुम नहीं छोड़ेंगे। भोर अबे ट्यूबलेट बोल रहा हूँ, ट्यूबलेट ही। क्या कहा? हाँ सबके सब ट्यूबलेट ही है ना। उस दुश्मन का नाम बताओ, उस दुश्मन का नाम है यादव। बस एक सर के ऊपर पावर रखे जा रहे हैं हम लोग, क्या है क्या? और दिल का भाव होता है। हमारे इलाके में आकर हमारे खिलाफ बोलेगा, इतनी हिम्मत है तुझमें? क्यों भाई, काहिलों की तरह वहाँ क्या देख रहा है? अबे अपने वीरू को जोश आ गया, अब ये गुंडों को खामोश कर देंगे। ए, बातें क्या कर रहे हो, पहले ट्यूबलेट निकालो, यहाँ से बच के भाग निकलते। भागने को कहते हो? अब अगर बोला तो तेरा इतिहास बिठा दूंगा। अबे जल्दी कर ट्यूबलेट कमाल। जल्दी करना, संभल के ट्यूबलेट। एक अकेले इंसान को इतने गुंडे मार रहे हैं, उसी साल में छोड़ के जाना सही होगा? मैं सिर्फ अपनी बहन की और अपने काम की फिक्र करता हूँ, इसके अलावा मुझे किसी की फिक्र नहीं। तुम समझ से बाहर। अरे छोड़ दो, अरे कोई है बचाओ मुझे। छोड़ दो मुझे।
दादी क्या कर रही है दादी, मुझे कुछ कुछ होता है। मेरा हाथ लगने से तुम्हें कुछ कुछ होता है, अगर पति का हाथ लगा तो सब कुछ होगा। दादी आप हरी भरी बात कर रही है, आप एक लुल है और वो पोस्ट मास्टर एक लुल है। मॉडर्न ड्रेस पहन के गई तो अदरक खाए उस बंदर ने क्या कहा पता है? दिस इज नॉट अमेरिका, दिस इज इंडिया, यहाँ पतलून नहीं साड़ी चलती है। चलो इतना ही बोला ना, चंदन और टीका लगाने के लिए तो नहीं कहा। रुको मैं टिफिन लेके आती हूँ। दादी दादी पल्लू गिर गया। दादी पल्लू ही तो गिर गया ना, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, लेके कंधे पे डाल लो। पल्लू कैसे डालते हैं भूल गई। ऐसे करके डालते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कल एक साड़ी का पिन ले दूंगी, ये लो टिफिन ले जाओ। थैंक्स दादी। तनी मचीसिया देना। कहाँ ढूंढ रहे थे? कुछ नहीं, अठन्नी कहीं गिर गई है, पता नहीं कहाँ गिर गई, वही ढूंढ रहा हूँ। कहीं ये तो ना है। ये पहले ही दिखा सकते थे ना। हम सोचा तुम जाइया तो हम उठाई ले 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 बैठा ही नहीं। चलो फायदा तो हुआ। हमो का बा वो कैसे? अरे बस यहाँ जो आएगा चली है। वो मेरी बस नहीं है। तो हम जाए थे। अरे बबुआ बस हो का बस यहाँ बनाओ। अरे जाना बस। हाँ वही है बस, बस। हाँ वही है। क्यों जी मैं बस बस बोल रही हूँ, आप वही है क्यों बोल रहे हैं? हाँ वही तो है, बस को बस ही बोलते हैं ना। हेलो मैं बस को रोकने के लिए बोल रही हूँ। रोकने के लिए कहाँ कहा आपने? बस बस कहा, वही है कहा मैंने? क्यों मैंने कभी बस नहीं देखी? मुझे क्या पता। आदमी है या पजामा एक खड़ी भी ना। समय वीरू। समय वीरू, शक्ति वीरू। हेलो मैंने पूछा समय क्या है? कोई भी चीज पूरी नहीं पूछ सकती हो। इसी तरह आप जैसी खूबसूरत लड़कियां पहले वक्त पूछती हैं, बाद में इधर उधर की बातें करते हैं, सिलसिला आगे बढ़ता है और प्यार हो जाता है। देखिए मैडम मैं प्यार करने की हालत में नहीं हूँ, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे बोझ हैं। भैया सॉलिड बात कही है, पते की है। ठीक है उस्ताद, कहाँ जाना है? जनरल थिएटर जाना है। ये क्या भाई दो रुपया दे रहे हो, तीन रुपया लगते हैं। अरे भैया मेरे पास उसे दो ही रुपया है। अरे काय को भेजा चार्टर एग्जाम भी मालूम नहीं तुझे? कंडक्टर उस्ताद दूसरों को तरीका सिखाने से बेहतर है कि खुद तरीके से रहना सीखो। बस कहाँ जाती है, कितना किराया लगता है, ये सब जानकारी बस पे चढ़ना चाहिए। हाँ। इन्हें चंद्रलोक टाकी से पहले वाले बस स्टॉप पे उतार दीजिए। भैया ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, ऐसे और दो चार चढ़ जाए तो हमारा सफर तो एकदम आसानी से कट जाए। तो ये ना मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये बताइए आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर मुझे बोलना चाहिए। मिस हो गई क्या? अभी अभी इसको लंबा चौड़ा उपदेश दे रहा था, तो इससे भी बदतर निकला। चल नीचे उतर। एक्सक्यूज मी कंडक्टर, इनका भी मिला के दो पोस्ट ऑफिस। अच्छा किस बात की? कुछ नहीं भैया, दूसरों को तरीका सिखाने से पहले खुद तरीके से रहना सीखो। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उस्ताद जरा अपनी बंद रखोगे? तुम्हारे पास एक रुपया कम था क्या? किसी ने तुम्हारी मदद की? मुझे देखो ये खूबसूरत परी जैसी लड़की ने मेरी मदद की। पोस्ट ऑफिस आ गया, चलो जल्दी से उतरो जिसको उतरना है। छुटकी की ट्रेनिंग का एप्लीकेशन है, हे भगवान इसे जल्दी से पहुंचवा दे। अड्रेस शायद ठीक लिखा था या देख लेते हैं। हेलो आपने बुलाया? बस में मैंने आपके लिए टिकट तरस खा के लिया, इसकी वजह से मेरे पीछे आके बाद में इधर उधर की बातें करके सिलसिला आगे बढ़ा के फिर प्यार करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा गलत इरादे से मैं नहीं आया, मुझे घर वापस जाने के लिए दो रुपयों की जरूरत है, अगर देंगे तो कल पूरे चार रुपए रिटर्न कर दूंगा। अरे तुम महालक्ष्मी? मेरा नाम अंजलि है सर। तुमको देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात महालक्ष्मी हो। तवे जैसे गंजे, तुम्हारी वजह से मैं साड़ी पहन रही हूँ। कुछ कहा क्या? हेलो अब क्या हुआ? अभी तो मैंने दो रुपए दिए थे। दिए थे लेकिन फटी नोट है, दूंगा तो बस से उतार देंगे, दूसरी दे दें तो। किसी लड़की ने दो रुपए के टिकट उसको खरीद के दिया तो तुझे प्यार लगता है? तेरे को अक्कल है कि नहीं? तुम समझे नहीं, बस में इतनी सारी सवारियां थी लेकिन उस लड़की ने सिर्फ वीरू को दो रुपए क्यों दिए? वीरू भैया मैं पक्का बता सकता हूँ उस लड़की को तुमसे प्यार है। ए, उसका थोबड़ा तक मैंने नहीं देखा, उससे प्यार मैं कैसे करूंगा? थोबड़ा ही नहीं देखा और क्या? आहा
तो आंखें कैसे लड़ेंगी? तभी तो बोले लव है। अबे लव के लव कोबरा नहीं देखा तो लव कैसे होगा? वहां मारा तो यहां चक्कर क्यों हुआ? वो यही है। कौन? इसे भी डाल दो। यही? इसमें छटा मारने की क्या बात है? तुमसे कैसे प्यार करेगी? झालर वाली लाइट की तरह जगमग जगमग करने वाली वो कहा, और सोते वक्त जीरो वाट बल्ब के जैसे तुम कहा। तुम दोनों के बीच में लव नहीं हो सकता, अभी छोड़ दो। क्यों झुक गए? देखो लड़कियों का मन इतनी जल्दी समझना मुश्किल है, वहां जाके आमने सामने बात करेंगे। चले थोड़ा क्या ब्राइट हो गया, चलो। हाँ हाँ चलो चलते हैं। आए तो काट के रख दूंगा। मैं कहाँ आने वाला हूँ, तुम ही रुक जाके नहीं पट लो। ये प्यार नहीं तो और क्या है? जब भी मैं देखूं चंदा, तुम ही तुम याद आए हमदम, जिस्म तेरा बेहतर।